जी गुड मॉर्निंग 9th B। मूल व्याख्या पिंड कर लिया आपा, ठीक है। साडा लेख सीगा वार्तक हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दी तुहानू मैं असाइनमेंट सेंड की है, जस्ट आपा डिस्कस कर लेने हां और कोई 10 तुसी क्वेश्चंस अपनी फेयर नोटबुक ते लिखने हैं, ठीक है। और थर्सडे नू थोड़ा टेस्ट होया सी, ठीक है, इसे तरह ही फिर होएगा, राइट, ठीक है, हर वीक थोड़ा टेस्ट होया करेगा। और देखो हुण आपां करदे आ पहला इहदे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस फटाफट। पहला है मूल वेख्या पिंड किसकी रचना है, किने लिखा होया है मूल वेख्या पिंड? हां जी अर्शप्रीत, मूल वेख्या पिंड बलराज सानी दा, बलराज सानी दी रचना है। हां जी ठीक है, गुड, बलराज सानी दी रचना है। लेखक ने थाने रिपोर्ट कदों लिखाई, थाने रिपोर्ट कदों लिखाई, कदों लिखाई सी? चैप्टर दी स्टार्टिंग विच ही है, देखो जरा चैप्टर खोलो अपना। हां जी अर्शप्रीत, 16 अक्टूबर 1962 अपना देश छड़ के दूसरे देश विच जांदे हन, ठीक है। थर्ड है लेखक दे पिंड दा की नाम सी? रमीक, लेखक दे पिंड दा नाम? लेखक दे पिंड दा नाम पेरा सी। पेरा सी, ठीक है। नेक्स्ट है लेखक दे दोस्तां दे की नाम सी? दोस्तां दे नाम, हां जी दिया, लेखक दे दोस्तां दे नाम सिकंदर, शाकिर अते मुस्तमहीन, मुस्तमहीन से सन, ठीक है जी, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है लेखक ने किन्ने सालां बाद अपना पिंड वेख्या, लेखक ने किन्ने सालां बाद अपना पिंड देख्या? अर्चिता, लेखक ने 40 साल बाद अपना पिंड देखा, ठीक है जी, 40 साल बाद अपना पिंड देखा। तनीषा, अगर तुसी आंसर देना चाहते हो तो तुहानू अपनी वीडियो ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है तनीषा, राइट। नेक्स्ट, 40 साल पहला लेखक दी उम्र किन्नी सी? दिया, 40 साल पहला लेखक दी उम्र मसा 8-9 साल दी सी। हाँ जी ठीक है, 8-9 साल दी। पेरा शहर किन्ना कु सी? रमनीक, मैम पेरा शहर बहुत छोटा सी, बहुत छोटा। नेक्स्ट, पिंड विच केड़े केड़े मोहल्ले सन? पिंड विच केड़े केड़े मोहल्ले सन? दिया, पिंड विच सानिया दा मोहल्ला, कोलियां दा मोहल्ला अते सानिया दा, कोलियां दा, होर किना किना दा सी, ठीक है। अनिका, केदा केदा मोहल्ला सी? पिंड सानिया दा मोहल्ला, कोलियां दा मोहल्ला अते अनंदा दा मोहल्ला सी। अनंदा दा मोहल्ला, ओके। नेक्स्ट है जेहलम दरिया कौन जांदा सी? अर्शप्रीत, जेहलम दरिया कौन जांदा सी? मैम जेहलम दरिया, हां हां जेहलम दरिया लेखक दी ताई अते उस दी साथना। हां जी अर्शप्रीत, उसे ताई जी जांदे सन, ठीक है। ते नाल कौन जांदा सी? जदो लेखक भी जांदा सी अपनी ताई दे नाल, ते ओदा साथना, उसदा भरा पीशम। हां जी भरा भीष्म जांदा सी, ठीक है। मेला किथे लगदा सी? मेला किथे लगदा सी? अर्शप्रीत, मेला चिड़ी चौक दे नेड़े लगदा सी। चिड़ी चौक दे मैदान विच लगदा सी। नेक्स्ट है लेखक नू बुढ़ी औरत किस वांग लगी? तनीषा, या तो तुसी अपना वीडियो ऑन करो बेटा, मैं थोड़े को लगता कुछ नहीं सुनना। तनीषा, पनिका, लेखक नु बुढ़ी औरत उसकी मां वांग लगती, ठीक है, उसकी मां वांग लगती सी।
नेक्स्ट, लेखक कोल अपना पिंड देखने लिए कितना समय सी? दिया, लेखक कोल अपना पिंड देखने लिए 3 घंटे सन। हाँ जी, 3 घंटे सी। पुल्लोवाल तो पेरा कितनी दूर सी? पुल्लोवाल जिथे बस जाके रुकी सी। लवलीना, 2-3 मील दूर सी। हाँ जी, 2-3 मील दूर सी। नेक्स्ट है, तेरे विच सब तो पहला मोहल्ला किसका नजर आंदा सी? मैम कहना है आंसर। ओके लवलीना बोलो। सानिया दा। सानिया दा, ठीक है जी। नेक्स्ट है, बसा दा अड्डा शहर दे पिछले दरवाजे ऊपर बनिया होया सी, तो उस दरवाजे नु की कहंदे सन? उस दरवाजे दा एक पर्टिकुलर नाम सी। अर्शप्रीत, उस दरवाजे नु बलौची दरवाजा कहंदे सन। केड़ा दरवाजा? बलौची दरवाजा। बलौची दरवाजा, राइट। गली दी नुक्कर ऊपर की सी? गली दी नुक्कर, नुक्कर मतलब कॉर्नर ते। दिया, गली दी नुक्कर उत्ते खूह सी, एक खूह सी। हां जी, खूह सी। नेक्स्ट, खूह दे सामने किसका घर सी? लवलीना, उसदे चाचा जी दा घर सी। उसदे चाचा जी दा घर सी, ते चाचा जी दा की नाम सी? मोहम्मद गुलाम। हां जी, गुलाम मोहम्मद या मोहम्मद। ओके, नेक्स्ट, लेखक ने दे चाचा जी दी उम्र कितनी सी? अधखड़, लेखक दे चाचा जी अधखड़ उम्र दे आदमी सन, 40 साल दी उम्र सी। 70 साल। 70 साल दे, 40 साल दे कित्थों हो गए? 70-80 साल दे। इत्थे ना ओदी उहनां दी पर्टिकुलर नहीं, उहनां दी पर्टिकुलर उम्र ही नहीं दसी गई, और चाचा जी दे दोस्त दी दसी गई है। ठीक है, इत्थे उहनां दी पर्टिकुलर उम्र नहीं दसी गई, उहनां नूं बस यही है कि जिहड़ी लेखक दी उम्र है ओही उहनां दी उम्र है। वंड तो बाद लेखक दे चाचा जी ने केड़ा धर्म अपनाया? लवलीना, इस्लाम धर्म। हाँ जी, ठीक है, इस्लाम धर्म। ओके, नेक्स्ट है, चाचा जी का घर कहो जिहा सी? चाचा जी का घर रमनी? यस मैम, चाचा जी दा घर नवा नवा बनिया होया सी। हां जी, नवा नवा बनिया होया सी। लेखक दे चाचा जी ने किस नु चाह पानी लेण लई कहा? किस नु कहा सी? दिया, अपनी पत्नी नु। पत्नी नु। लेखक दे चाचा जी दे बेटे दा की नाम सी? मम्मी है। बोलो। लेखक दे चाचे दे बेटे दा नाम अनवर सी। अनवर सी। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहिब ने किसकी देखभाल की? चौधरी साहिब दे दोस्त दा की नाम सी ते उसकी उम्र कितनी सी? चौधरी साहिब दे दोस्त दा नाम देना है, की है? चौधरी साहिब दे दोस्त दा नाम मोहम्मद, मोहम्मद सी। ओ उसकी उम्र 70 वरे दी सी। 70 वरे दी, इथे आएगा लवलीना 70 इयर्स। ठीक है, मोहम्मद साहेब ने किसकी देखभाल की थी? किसकी देखभाल की थी सी लवलीना? उन्होंने लेखक दे पिता जी दी। एक नाम है रमनी, दीवान देश राजसानी। हाँ हाँ हाँ, देश राजसानी दी, जो के लेखक दे पिता सन। ते लेखक दे लेखक दे पिताजी दी। नहीं, ओ बैरिस्टर सन। हां, बैरिस्टर सन। ठीक है, ते प्रैक्टिस करदे हुंदे सी रावलपिंडी आके। नेक्स्ट, सिकंदर दी उम्र किन्नी सी? सिकंदर जो कि ओदा दोस्त सी बलराज सानी दा, उम्र किन्नी सी ओदी? 20 साल। 20 तो लीना 20-25 साल। 22-23 साल। 22-23 साल, एग्जैक्ट। नेक्स्ट, लेखक नु पौड़ियां चढ़ के की नजर आया? उस दे अपना घर। उस दा अपना घर, ठीक है। लेखक नु लास्ट है, लेखक नु कमरा देख के किसकी याद आई? अपनी भैन दी, अपने भैन दी जो कि मर चुकी है। जो कि मर चुकी है या मरी हुई है। ओके जी, वन वर्ड हो गए। फोन देखो बेटा,
ग्रामर पोर्शन, ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक निकालो, ग्रामर पोर्शन है आपा करना है दफ्तरी पत्र, ठीक है, राइट, दफ्तरी पत्र आपा पहला तो नहीं ना किता होया रमनी? नो मैम, नहीं ना, ठीक है, पहला आपा केड़े पत्र? नो मैम, केड़े पत्र किते होया आपा पहला? निजी पत्र, निजी पत्र, ओके, ठीक है, गुड, निजी पत्र किते सन, ठीक है, सो हुण आपा करांगे दफ्तरी पत्र, दफ्तरी पत्र सरकारी भी हुंदे ने, गैर सरकारी भी हुंदे ने, ठीक है, मतलब आपा ऑफिशियली किसे नु लिखदे हां, कई बारी आपा कोई शिकायतां लई लिखदे हां, ऑफिशियली मतलब जिस तरह आपा किसे वड्डे अधिकारी नु लिख दिता हना, अखबार दे पत्र नु लिख दिता, गैर सरकारी मतलब कि जिस तरह आपा इदां ही कदी कोई पुस्तक विक्रेता नु, ओह वैसे व्यापारिक पत्र विच आंदे ने, ठीक है, निजी पत्र होंगे ने, विनय पत्र होंगे ने, दफ्तरी पत्र होंगे ने, व्यापारी पत्र होंगे ने, व्यापारी होंगे है जेडे आप मान लो किसी बुक्स लैनिया आ, आप पुस्तक विक्रेता नो किताबा लिखिया कि सानू ए वालिया बुक्स चाहिदिया ने, वो हो गया व्यापारिक पत्र, या कोई होर व्यापार तुसी किसी कंपनी दे नाल करना है, ठीक है, दफ्तरी पत्र ये आप किसी उच्च अधिकारी नू लिखदे हां, उच्च अधिकारी म्यूनसीपल कारपोरेशन वाला भी हो सकता है, ठीक है, कोई न्यूज पेपर का एडिटर भी हो सकता है, राइट, कोई पुलिस वाले भी हो सकते हैं, SHO भी हो सकता है, ठीक है, इन्हां नूं कहिंदे हां आपां दफ्तरी पत्र, सो देखो जिस तरह आपां कीता सी निजी पत्र सेम उस तरह जस्ट फॉर्मेट लिख लो, ठीक है, फॉर्मेट लिख लो, पहला आपां राइट साइड पे जाना है, जिस तरह आपां निजी पत्र का फॉर्मेट लिखते हाँ बेटा, ठीक है, प्रीक्षा भवन डैश डैश शहर मिति, ठीक है, कोई भी दफ्तरी पत्र आ जाए, ठीक है, असी सेम पैटर्न लिखते हाँ, प्रीक्षा भवन, ये पब्बा है बेटा, ठीक है, प्रीक्षा भवन डैश डैश शहर मिति, फिर आप इस साइड ते आने हाँ, मिति तो नेक्स्ट लाइन, लाइन नहीं छड़नी, मिति तो नेक्स्ट लाइन, फिर इधर साइड ते, ठीक है, देन सेवा विखे, मतलब हुण आपां जिहनूं लैटर लिख रहे हां, जिहनूं लैटर लिख रहे हां, ये आई थिंक तुसीं 8th वगैरह च भी कीती होएगी, कीती है लवीना 8th विच दिया, ओके यस कीती हुई है, ठीक है, सेवा विखे जिहनूं आपां लैटर लिखनी है उधर वाला साडा एड्रेस है, ठीक है, सेवा विखे, हुण आपां लिखनी है अखबार दे संपादक नूं, अखबार दे एडिटर नूं, ठीक है, फिर आपां की लिखांगे, संपादक साहब अखबार नू लिखनी है ते अखबार दा नाम जिहड़ा पंजाबी विच होएगा, पंजाबी विच केड़ियां केड़ियां अजीत अखबार आंदी है, ट्रिब्यून अखबार आंदी है, ठीक है, जिहड़ी भी अखबार है ओदा नाम, सपोज आपां अजीत नू लिखनी है, रोजाना अजीत, ठीक है, डैश डैश अखबार नहीं लिखना, अखबार दा सी नाम लिखना है, ठीक है, उस तो बाद विच डैश डैश शहर, क्लियर है, ठीक है, फिर विशा, निजी पत्र विच आपां विशा नहीं लिखदे, इहदे विच आपां लिखदे हां क्योंकि एक ऑफिशियल लेटर है, ठीक है, विशा जो भी होएगा, विषय विच आपां पत्र वर्ड नूं यूज नहीं करदे, मान लो आपां महंगाई दी समस्या बारे लिखना है तां विशा की होएगा, महंगाई दी समस्या बारे, महंगाई दी समस्या बारे पत्र, पत्र वर्ड आपां नहीं लिखना, ठीक है, विशा जो भी होएगा, देन पेट लाइंस, सनीमर बेनती है, और सॉरी श्रीमान जी, ठीक है, श्रीमान जी, राइट, श्रीमान जी सनीमर बेनती है, निम्रता सहित सनीमर बेनती है के मैं डैश मोहल्ले दा कि मैं डैश मोहल्ले दा निवासी हाँ, मैं आप जी दा ध्यान, फिर समस्या कोई भी हो सकती है, ठीक है, समस्या का नाम लिख सकते हो, इस समस्या वाल, इस समस्या वाल
दिवाना चाहती हाँ या दिवाना चाहता हाँ, ठीक है, दिवाना चाहती हाँ या दिवाना चाहता हाँ। नेक्स्ट थोड़ा कंटेंट मैटर आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा कंटेंट मैटर आ जाएगा। फिर तुसी जिथे थोड़ी लैटर खत्म हुई फिर तुसी राइट साइड पे जाना जिथे परीक्षा भवन लिखा उथे नीचे, ठीक है। हुण मेरे को इत्थे जगह नहीं हैगी, मैं इत्थे लिख दवां बेटा, ठीक है, तुसी इत्थे लिखना है राइट। चलो इत्थे ही मैं लिख देनी हाँ जिथे थोड़ा कंटेंट मैटर खत्म होया, ठीक है। फिर तुसी की कहना है धन्यवाद, नेक्स्ट लाइन विच धन्यवाद, ठीक है, नेक्स्ट लाइन विच धन्यवाद, डन। फिर धन्यवाद तो अगली लाइन विच राइट साइड से आप जी दा विश्वास पात्र या आप जी दी विश्वास पात्र डैश डैश नाम डैश डैश पता, आप जी दी विश्वास पात्र या आप जी दा विश्वास पात्र डैश डैश नाम डैश डैश पता, ठीक है। जेड़ा वर्ड समझना लगे मैनू पूछ लियो राइट। ए है फॉर्मेट, डन। ठीक है, हुण इहदे अंडर केड़ियां केड़ियां थानू लेटर्स आ सकदियां ने, ठीक है। इत्थे मैं लेटर्स लिख रही हां, सपोज थानू आ गया कि तुसी अखबार दे संपादक नू लिखना है महंगाई दी समस्या बारे, ठीक है, महंगाई दी समस्या बारे लेटर लिखनी है। हुण आपां इहनां नू वन बाय वन डिस्कस करदे रहांगे। दूसरी लेटर होगी कोरोना वध रिहा दिनों दिन इहदियां सावधानियां बारे, ठीक है, कोरोना दियां सावधानियां बारे, ठीक है। या तीसरी हो सकती है ऑनलाइन पढ़ाई बारे, ठीक है, काफी सारियां इहदे अंडर बेटा बन सकदियां हन ऑनलाइन पढ़ाई बारे, ठीक है। महंगाई की समस्या हो गई या कि उन कहंदे आ मिलावट की समस्या हो गई, ठीक है, चीजां विच मिलावट भी तो होंदी है, ओदी समस्या ना रिलेटेड आ गई थानू। कोरोना दियां जिहड़ा अजकल साडा करंट इशू है कोरोना दियां समस्यावां बारे आ गई, या एक चाइना दे विच फ्लड आया ना, पढ़दे हो न्यूज़, पता चाइना दे विच फ्लड आया, या हड़ आ गए ने ते बहुत सारे लोकी बेघर हो गए ने, ठीक है, उस बारे लिख सकदे हो, भी तो एक समस्या ही है ना, प्रॉब्लम ही है ना, लोगों को खाने लई कुछ नहीं मिल रहा राइट। या ऑनलाइन पढ़ाई बारे ये भी एक समस्या है, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई दी देखो काफी बच्चे आते कितना बुरा असर पै रहा उनकी अखा ते असर पै रहा, कई बच्चे क्लासा विच ही नहीं आते है ना, ठीक है, इस तरह उन्होंने पढ़ाई का नुकसान हो रहा, होर भी काफी समस्यावां ने उन्होंने बारे भी, ठीक है। सो फर्स्ट आप करते हाँ लेटेस्ट कोरोना की समस्या बारे, कौन दसेगा, अखबार के संपादक को पत्र लिखना है, फॉर्मेट विल बी सेम, ठीक है, विशा सिर्फ चेंज होएगा, हुण इत्थे विशा क्या आएगा, कोरोना दियां सावधानियां बारे, ठीक है, लैटर का जो भी हैडिंग होएगी ओदा विशा बन जाता है, ये तो पता ही है तुहानूं सारियां नूं, ठीक है, कोरोना दियां सावधानियां बारे अखबार के संपादक नूं पत्र लिखो, सो इत्थे विशा आ जाएगा कोरोना दियां सावधानियां बारे, बस, ठीक है, ओके। सो कौन दसेगा जी तुहानू, पेपर विच कोई भी लैटर आ सकती है बेटा, ठीक है, जरूरी कि तुहानू एक पर्टिकुलर जिहड़ी तुहानू दसी गई है बस उही आएगी, कोई भी लैटर आ सकती है, ठीक है। सो ये तो अपने वालों तुसी जनरल जीयां गल्लां लिख सकते हो, लैटर नू याद करन नहीं हुंदा हैगा, बस उहनू समझना हुंदा है, सिर्फ एक फॉर्मेट नू ध्यान च रखो बस, ठीक है, फॉर्मेट नहीं गलत होना चाहिए तुहाडा। अर्चिता दसेगी, अर्चिता ने बड़ा अच्छा बोलिया सी बड़ी ग्रुप विच, अर्चिता कोरोना दियां सावधानियां बोलोगे, पनिका दी भी टर्न आएगी,
ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਰਚਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹਾਂਜੀ ਪਨਿਕਾ ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਮੈਂ ਮੁਹੱਲਾ ਲਿਖਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਨੀਮਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਗਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪੋਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਹੋ ਜਾਗਰੂਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਛਾਪੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤਨ ਹੋ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਚੇਤਨ ਇਹ ਵਰਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਓਕੇ ਇਵਾ ਹਾਂਜੀ ਇਵਾ ਮੈਮ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਪੀਕ ਓਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਯੈਸ ਇਵਾ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਲੋਕੀ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4-5 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੱਸਣਾ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਹੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਲਵਲੀਨਾ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲਵਲੀਨਾ मैम मैंने पूछना था कि जब हमने सावधानियों में सोशल डिस्टेंसिंग का लिखना है तो हमने कितने गज की दूरी लिखनी है कितने भी क्या है मैम दो गज दो दी भी क्या है हाँ 6 फुट की दूरी भी क्या है ठीक है मतलब तुसी गज जरूर नहीं लिखना है तुसी लिखो कि बस सामाजिक दूरी होनी चाहिए ठीक है 2 फीट की लिख लो 2 फुट की ठीक है 2 फुट की दूरी समाजिक दूरी ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ
ठीक है जी, डन। एक हो गए, एक होर करते हाँ, एक होर लेटेस्ट ऑनलाइन पढ़ाई बारे। ऑनलाइन पढ़ाई बारे तुसी अपने अखबार के संपादक को पत्र लिखना है कि ऑनलाइन पढ़ाई दे विच तुहानू नुकसान होया है या तुहाडा फायदा होया। हुण कईआं दा तां फायदा भी होया है ना, जिहड़े क्लासां नहीं लगांदे उहनां दा तां फायदा ही फायदा ना, राइट। जिहड़े बच्चे क्लासां लांदे ने तुहाडे वर्गे जिहड़े भी अज मौजूद ने इस क्लास विच, उहनां नूं लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारियां आपां चीज़ां लिखनियां। कौन बोलेगा? तीन चार लाइनें बोलो, हिंट मिल जाएगा, ठीक है। ओके दिया, हाँ जी दिया। सनिमर बेनती ए है कि मैं डैश मोहल्ले दी निवासी हाँ, मैं आप जी दा ध्यान ऑनलाइन पढ़ाई वल दिवाउना चाहुंदी हाँ। जिवें कि तुसी जानदे हो कि कोरोना महामारी करके स्कूल अते कॉलेज बंद हो गए हन अते बच्चियां नूं करो पढ़ना करो ऑनलाइन पढ़ाई करनी करनी पै रही है। इस नाल कईआं नूं लाभ अते कईआं नूं हानि भी हुई है। कुछ बच्चियां कोल इंटरनेट दा कनैक्शन नहीं है, जिस इंटरनेट दा कनैक्शन नहीं है, जां फोन जां लैपटॉप दी सहूलियत नहीं है, उन्हां दा बहुत नुकसान हो रहा है। वह क्लासा नहीं लगा सकते अते उन्हां दा दो तीन साल दो एक दो साल इदां ही खराब हो गए हन। मैं इस अखबार अपने पत्र राही जागरूकता फैलाउना चाहुंदी हां कि सरकार नूं कदम उठाने चाहिए हैं जिस नाल इन्हां बच्चियां नूं लाभ हो। ठीक है, आशा है कि तुसी मेरे विचारां नूं अपने अखबार विच छापोगे। ओके गुड, हां जी पनिका। जिवें कि सनीमर बेनती है कि मैं डैश डैश मोहल्ले की निवासी हाँ अते मैं तुहाडा ध्यान ऑनलाइन पढ़ाई की समस्या वाल लैके जाना चाहनी हाँ। जिवें कि असीं जानते हाँ कि अजकल कोरोना वायरस बहुत वध गया है, जिस कारण सारे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के बहुत सारे लाभ भी हैं अते इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लाभ हैं कि हुण बच्चे घर तो ही पढ़ पा रहे हैं, जिस कारण उन्हां दा उन्हां दी पढ़ाई पिछे नहीं रह रही, वो नाल नाल स्कूल दे नाल नाल पढ़ाई कर रहे हैं। पर कुछ बच्चों का नुकसान भी है, जिवें कि कुछ बच्चे क्लासा नहीं लाते या कुछ बच्चों दी कई रुकावट भी हैं, जिवें उन्हां कोल मोबाइल फोन नहीं हैं ते इस कारण वो क्लासा नहीं ला पा रहे, जिस कारण उन्हां दा बहुत ही नुकसान हो रहा है। कुछ बच्चों कोल सारिया सुविधावां हैं भी, पर फिर भी वो इस सब क्लासा नहीं लगा रहे हैं अते इस कारण भी उन्हां तों नुकसान हो रहा है। स्कूल सारे स्कूल बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, सारिया टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, जिस कारण बच्चे पढ़ रहे हैं, पर अजे भी कुछ बच्चे हैं जो कि नहीं पढ़ रहे अते इस कारण ये समस्या अगर जे इदा ही चलता रहा तो फिर अगों तो बच्चे बेफिक्र हो गए हैं अपनी पढ़ाई बारे, इन्ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस करके कृपा करके तुसी अपनी समस्या बारे अपने अखबार में छापो, जिस कारण बच्चे जागरूक हो सकन अते अपनी क्लासा वाल ध्यान दे। ठीक है, धन्यवाद। क्या बच्चों का भविख जिहड़ा है वह खतरे में आ गया है, ठीक है, कोरोना वायरस के करके, क्योंकि बच्चों की देखो स्टडी के नाल कईआं दा तां लिंक ही टुट गया, तो फिर भी वो जो छोटे बच्चे उन्होंने तां बेस ही नहीं रह गया कोई भी, है ना। जिहड़े नर्सरी विच जा रहे सी, केजी च जा रहे सी, उन्हां दा कोई बेस ही नहीं रह गया सी, राइट। सो तुसी कहना है कि इहदे नाल बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो बच्चे की करते ने कि कई बार इदा हुंदा कि क्लासा लगदे हन ते फिर कई बार उन्होंने बहना पैंदा बहुत ज्यादा, है ना, फोन के अगे या लैपटॉप के अगे, सेहत पर भी असर हो रहा है, ठीक है। इस तरह दी समस्यावां वल ध्यान देना है ता कि सरकार ओ जिहड़ी अखबार दे संपादक है उन्हों अपनी न्यूज पेपर विच छापे ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਹੀ ਲੈਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਓਵਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਵਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਹਨਾ। ਦੌਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ।